अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी शेफ रहीन फातिमा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पूरी पराठा और हलवे की रेसिपी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बिल्कुल यूनिक तरीके से आज मैं आपको बता रही हूँ, अलग ही तरीके से। और उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो मुझे लाइक भी करना, मेरी रेसिपीज़ को शेयर भी करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं। आटा गूंदने के लिए हमने 2 कप हमने ये मैदा लिया है, यानी कि पर्पस फ्लोर, 1/2 टीस्पून हमने ये नमक लिया है, हसबे ज़रूरत नमक ले लीजिए। और ये पानी है, पानी का हमने उतना ही इस्तेमाल करना है जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम नमक डाल देंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके हम पानी से इसको गूंद लेंगे। अभी देखिए गूंद चुका है इसको, तकरीबन हमने 15 मिनट बहुत अच्छी तरीके से गूंदा है। आपको भी इसी तरीके से गूंदना है। तकरीबन इसको गूंदने में अगर अच्छा पूरी का आटा चाहिए तो 15 से 20 मिनट तो जरूर लगते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं। अब इसके बाद हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हम इसकी पूरियां बनाएंगे। चलिए आइए देखते हैं हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। 2 गिलास हमने ये दूध लिया है, 1 कप हमने घी का लिया है, 1 कप हमने ये सूजी ली है और 1 कप हमने ये चीनी का लिया है, 1/2 कप हमने ये पिसा हुआ खोपरा लिया है, कोकोनट पाउडर, चंद कतरे ही हम ये फूड कलर के ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको सादा भी रख सकते हैं। 1/2 टीस्पून हमने ये इलायची पाउडर लिया है, गुलाब के फूल की पत्तियाँ ली हैं हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून। अगर आप ये ना डालना चाहें तो आप केवड़ा भी डाल सकते हैं इसकी जगह। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सूजी डाल लेंगे। अब सूजी को हमने बहुत अच्छी तरीके से भूनना है, जब तक भूनना है जब तक इसमें से खुशबू ना आने लगे। अभी देखिए 3 मिनट इसको हमने अच्छी तरीके से भूना है, इसमें से खुशबू आने लगी है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम ये घी डालेंगे। घी डाल के हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। अभी देखिए 2 मिनट अच्छी तरीके से हमने घी डाल के इसको भूना है। अब इसके अंदर हम ये दूध ऐड करते हैं। अभी देखिए दूध डालने के बाद हमने इसको इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। बीच बीच में हम दूसरी चीजें भी ऐड कर देंगे इसमें। अब इसके अंदर हम ये इलायची पाउडर डाल रहे हैं, साथ ही इसमें हम ये फूल की पत्तियां भी डाल रहे हैं। अब साथ ही इसके अंदर हम ये चीनी भी डाल देते हैं ताकि इसके साथ ही वो पकती रहे। अब चमचा चलाते रहेंगे और इसको गाढ़ा होने तक हमने पकाना है। अब साथ ही इसके अंदर हम 10 कतरे फूड कलर के भी डाल लेते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐसे ही रखना चाहते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन जरा कलर अच्छा लगता है इसलिए हम डाल रहे हैं इसके अंदर। अब आप देखिए ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब इसको हमने अच्छी तरीके से भूनना है जब तक इसका घी ऊपर ना आ जाए। ठीक है, तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये हम जिस पतीली में हमने बनाया है उसने हलवे को इस तरीके से देखे छोड़ दिया, इस तरीके से कि नीचे लग नहीं रहा बिल्कुल भी और ये बिल्कुल अलग हो चुका है बर्तन से। तो समझे ये हमारा तैयार है हलवा। और आप देख सकते हैं घी भी इसमें ऊपर आ चुका है। अब इसमें हम कोकोनट पाउडर डालते हैं। अब इसको मिक्स करते ही हम उतार लेंगे।
अपने पूरी पराठा हम बना लेते हैं। आटा अच्छे से राइस हो चुका है, आप देख सकते हैं। 3 चमचे हमने घी के लिए हैं और 3 चमचे ही हमने मैदे के लिए हैं। अभी मैदा और घी को हम आपस में मिक्स कर लेंगे। ये हो चुका है, इसको हम एक तरफ रखते हैं। अब हम पेड़े बनाएंगे, जितने बड़े हमने पेड़े बनाने हैं, बॉल बनाने, उतने बड़े हम बॉल बना लेंगे। देखिए इस तरीके के साइज के हम तमाम बना लेंगे। अभी देखिए तमाम हमने बना लिए हैं। अब हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे यहाँ पर। अब एक एक बॉल हम उठाते जाएंगे और इस तरीके से इसको हम बेलन से बेल लेंगे। आप चाहें तो इसको हाथों से भी बड़ा कर सकते हैं। अब ये देखिए मैदा, मैदे और घी का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो हम इसके ऊपर एक एक चम्मच करके डालेंगे। इससे हमारी पूरी बहुत अच्छी तरीके से फूलेगी और ये हमारी पफ वाली पूरी बनेगी, पफी पूरी बनेगी हमारी। अब इस तरीके से इसको हम फोल्ड कर लेंगे। अभी देखो हमारी एक पूरी पराठे का जो पेड़ा है वो तैयार है। इस तरह हम तमाम तैयार कर लेंगे। अभी देखिए हमने तमाम तैयार कर लिए हैं। अब इनको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर 10 मिनट के बाद हम पूरियां बनाएंगे। अभी देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम पूरियां बनाते हैं और ऑयल गर्म करने के लिए रख देते हैं। अब हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। अब एक एक पेड़ा लेते रहेंगे और इसको इस तरीके से हम हल्के हाथ से बेलते रहेंगे। अभी देखिए हमने इसको बेल लिया। अब हम इसको उठाएंगे आराम से और ऑयल में डालेंगे। ऑयल देखिए अच्छे से गर्म हो चुका है, इसको बहुत अच्छी तरह गर्म करके ही हमने पूरियों को डालना है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी पूरी बन रही है। इसी तरीके से आप भी घर में इजीली पूरी पराठा बना सकते हैं और आप ये यकीन करें बाहर से ज़्यादा अच्छा टेस्ट ये पराठा आपको देगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी तैयार है, इसको हम निकाल लेते हैं। और इस तरीके से हम तमाम को तैयार कर लेंगे, तमाम पराठे बना लेंगे।
अभी देखिए हमारा पूरी पराठा तैयार है, मैं आपको दिखाती हूँ फोल्ड करके, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना मुलायम और कितना अच्छा ये हमारा पूरी पराठा बना है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये मुट्ठी के अंदर आ रहा है। साथ ही ये हलवा है जो हमने अभी तैयार करा है, और हमने इसके साथ आलू का सालन भी रखा है। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो मुझे लाइक कीजिए, मेरी रेसिपीज को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब अपने शेफ तरीन फातिमा को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।